से बगैर वेतन के झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ ने दुमका के गांधी मैदान में अपना स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष जायेश बेसरा ने कहा कि पोषण सखियों के समर्थन में मैं हमेशा उनके साथ हूँ। पोषण सखियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के सामने उनकी मांगों को रखी जाएगी। इस अवसर पर संघ के संरक्षक विजय कुमार ने कहा कि पोषण सखियों को 12 माह से मानदेय नहीं मिला है और पोषण सखियों का आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की उनकी मानदेय का भुगतान नहीं कर देती है। पोषण सखियों ने स्थापना दिवस पर आंदोलन की रणनीति बनाई और निर्णय लिया गया कि फरवरी तक मानदेय नहीं मिला तो संघ जोरदार आंदोलन करेगा। राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि पोषण सखियों का स्थायीकरण किया जाए और 12 महीने का बकाया मानदेय फरवरी अंत तक कर दिया जाए। इसके साथ ही ड्रेस कोड को भी लागू किया जाए। यही बोलना चाहूँगी कि मुझे मालूम है इन लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है इन लोग का, मुझे मालूम है और शुरू से ही मुझ पर इन लोग का विश्वास था और हमने वादा किया है कि आप लोग की लड़ाई में मैं हमेशा रहूंगी। और मेरे अगुवाई में इन्होंने कई बार माननीय मंत्री जोबा मांझी जी से भेंट की है। इसके बाद हमारे सीएम साहब, उनसे भी भेंट किए हैं, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ है। तो आज इसी संबंध में मैं कहना चाहूँगा, मैं दुखित हूँ कि इतनी सारी महिलाओं को देख करके, इतनी सारी बेरोजगार बच्चों के साथ ये लोग ड्यूटी करते हैं, इन लोग के साथ मैं आज भी हूँ और दुखित हूँ और इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। मैंने वादा किया है शुरू से, मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगी। हम लोग ये 6 जिला में हम लोग पोषण सखी का बहाल हुआ था, 2016 में हुआ था बहाल और हम लोग को मानदेय लगातार देते गया। हम लोग को 18-19-20 तक मानदेय मिला, इसके बाद से हम लोग का मानदेय बंद कर दिया है और हम लोग को कोई सूचना भी नहीं मिला। हम लोग का मानदेय बंद कर दिया है, हम लोग काम भी करते आ रहे हैं। कोरोना में भी जितना भी हम लोग का जो दूर दराज से आते थे उन लोग का भी हम लोग घर घर जाके सर्वे करके हम लोग रिकॉर्ड भी रखे और हम लोग जो भी टीकाकरण होता था गर्भवती सबका सारा कुछ करते हुए भी आ रहे, फिर भी हम लोग का मानदेय अभी तक लंबित है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग का रीति रिवाज से हम लोग चल रहे, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई। सब नेता से भी हम लोग जहाँ विधायक के पास भी हम लोग पहुँचे कि आप लोग के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग का सर कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग का बहुत दुखी की बात है कि हम लोग महिला बच्चे को छोड़कर हम लोग घर से निकलते हैं और हम लोग अपना काम को भी निभाते हैं, घर का काम को निभाते हैं, फिर भी हम लोग के लिए सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो इतना बड़ा महिलाओं के लिए इतना बड़ा दुख की बात है कि हम लोग का कुछ तो सरकार हम लोग का सुनवाई दे कि हम लोग को मानदेय दे सबसे फर्स्ट में, इसके बाद ही और ड्रेस कोड हुआ तो और भी जो आगे की प्रक्रिया हम लोग का, और हम लोग का जो ये है नौकरी हम लोग का बरकरार रहे, नहीं तो हम लोग का बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत लोग का उम्र भी चला गया, इस वजह से हम आप परिचय दीजिए अपना। हम जामा प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष मालती मुर्मू बोल रहे हैं। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में
घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। कास्ट 24, अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कार्स। वेलकम, यू हैव नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया, सऊदी।